ये मारिफत के जो है ना दर्द इसमें अल्लाह के तालुकात की जो है ना बातें बताई जा रही है।
इंसान जो है मोहब्बत सीखना है अपने जोड़े और कुर्बानियां देने के लिए हर वो अजियत और हर वो मुसीबत बर्दाश्त करना है अपने जोड़े के लिए। और यही जो है कमाल एक रूहानी वजूद के अंदर एक रूहानी इंसान एक रूहानी मोमिन जो है अपन वाले के अंदर ये इशारा कुर्बानी का जज्बा होता है। जिस तरह जो है एक शोहर अपनी बीवी के लिए कुर्बानियां देता है तो ये जो है लोगों को आज बताने वालों की जरूरत है और बताने वाले बहुत कम है। तो हजरत साहब खुदा के खुदा अब्दुल अली अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो मैं लिखा जिस तरह यहाँ पर जो है कुछ कुरान के आयत है कुछ हदीस में पढ़कर लिखा जो है पढ़ाए जाते हैं। हकीकत में उद्देश्य का माना है नसीहत खुदबा जो है आने वालों के लिए इससे हमको क्या नसीहत जाना पाना चाहिए। और कुरान का भी यही फरमान है कि मैं खुद ही शेयर कर अपना जोड़े जो मिलाए जाते हैं इसमें अल्लाह कौन सी मालिक पर जो है निकाह के अंदर छुपी छुपी हुई है। और निकाह जो है सिर्फ इंसान का होना जानवरों का निकाह नहीं होना। कोई बाहर जाना है जो ना गाय से निकाह करे कहीं आप दुनिया में नहीं देखे। इंसान के ही निकाह जो ना होते क्यों होते हैं कि इंसान के जोड़े को जिस तरह तलाश किया जाता है ऐसा जो है अल्लाह के जोड़े को भी तलाश करना है। एक औरत जो है अपने जोड़े को पाली इंसान के वजूद में इंसान के जिस्म में इसी तरह है इंसान आए मोमिन जो है आए जो है ना अल्लाह के बंदे तेरे को जो है अपने जोड़े को तलाश करना है। वो जोड़ा क्या है जैसा ये जोड़ा जिस्म में ही है वजूद है इंसान में इंसान का जोड़ा इंसान ही है। इंसान का जोड़ा कोई जो है ना कायनात की दूसरी मखलूक नहीं है। इस तरह इंसान का जोड़ा हकीकी जो है एक अल्लाह के बंदे का जो जोड़ा आता है वो भी इंसान के वजूद में ही बैठा हुआ है। इसलिए मलाकरम फरमाते हैं तीन रात आते हैं उदार आए नदी नए बने तो नए बने तो नए मुझे तीन को अगर मैं खुदा की जो है अल्लाह नहीं समझता तो उम्मीद ही नहीं है। मतलब जो है औरत की ये शोहर इंसानी जो है वजूद में मिला इसी तरह अल्लाह खालिक कायनात वो भी जो है मोमिन बंदों के कल्बों में मिलने वाला है। उसको तलाश करना है तलाश माटी पत्थर में आसमान में तलाश करना नहीं है। इसलिए उसके लिए हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुस्तफा फरमाए कहता है बताइए हदीस का तर्जुमा है मुस्तफा फरमाए कहता है खुदा मैं जमीन और आसमान में नहीं समा दिल में मोमिन के समाता हूँ अजब इन दिलों से ढूंढ ले कर है तलब। ऐसा अगर तुझे अल्लाह की तलब है अल्लाह की तलाश है तो एक मोमिन मुत्तकी परहेज़गार को तलाश कर उसके दिल में ना बैठा एक जो है इंसान के एक मर्द की जो है सूरत में एक औरत का जोड़ा जो है बैठा हुआ है इसी तरह एक बंदे का जोड़ा अल्लाह जो है एक मोमिन बंदे के कल में बैठा हुआ है उसका जोड़ा है। इसलिए मुरीद और मुर्शिद जिस तरह मुरीद और मुर्शिद का जोड़ा होता है इसी तरह बीवी और शोहर का जोड़ा होता है। बीवी शोहर का जोड़ा क्या है ये जिस्मानी ताल्लुक है और मुर्शिद और मुरीद का जोड़ा क्या है वो खुदाई ताल्लुक है। खुदाई मालिकत के बारे में बताने वाला खुदाई रमूज को जो है दुनिया के तुम्हारे कल्ब में डालने वाला वो जो है अपने काम में लगता है। तो इसके लिए जो है कुर्बानियां देना पड़ता है जिस तरह औरत जो है शोहर के लिए वतन छोड़ना हर चीज को जो है कुर्बान देकर मरद की जो है घर आती इसी तरह अल्लाह के लिए बड़े बड़े कुर्बानियां देने की जरूरत है। आज दुनिया के लिए जो बड़े बड़े कुर्बानियां दे रहे हैं लोग अमरीका छोड़कर हिंदुस्तान में आ जाए या हिंदुस्तान में अगर लड़का रहता है दुनिया के लिए हम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं हालांकि ये जो है कब्र में हशर में अल्लाह पूछने वाला नहीं है कि अमरीका की बच्ची क्यों नहीं होती क्यों जो है क्यों किया यहाँ से छोड़कर इतने जो है मेहनत क्यों कराई ये सवाल होने वाला नहीं। असल जो हमसे जो सवाल होने वाला है वो जो है अल्लाह के मुताबिक अल्लाह के रसूल के मुताबिक सवाल होने वाला है। तो ये जो है जोड़े के लिए बड़े बड़े कुर्बानियां देने की जरूरत है और यही जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जो है जोड़े के जरिए से उसके हाथ पे बहस करना उसका हाथ अल्लाह का हाथ है।
خدمت کی لازائی حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنے جو ہے اذان کو جہاں دھوئے دیا وہاں میں نے اللہ کو پہچان تو اللہ کی پہچان کہاں ہے اخر کو ختم کرنے میں ہے جس طرح جو ہے ایک عورت اپنے اخر کو جنا ختم کر کے دوسرے جو ہے گھر آئی وہاں پر جانے کے بعد کیا کیا جانا اس کے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں یہ جو ہے سارے چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے انہیں جو ہے وہاں پر قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے رشتے دار سب تیار ہے تو یہ جو ہے ہمارے جسمانی رشتوں میں ہم نے سارے چیزوں کو قربانیاں دینے کے لیے ایک دوسرے کو تحریر دلا رہے ہیں ارے کیا ہوتا ذرا سسرا غصہ والا ہے کیا ہوتا ساتھ ذرا بننا کھانے لانے میں دینے والی ہے تو کیا ہوتا زندگی سدھر جاتی بچے والی بن جاتی دولت مند بن جاتی یہ سارے جو ہے تحریر دلا کر ہم جو ہے ایک جسمانی جوڑے کو چھوڑ رہے ہیں لیکن ایک روحانی جوڑا ہے جس کے لیے جو ہے بڑے بڑے قربانیاں دینے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمارا تحریر دلا رہے ہیں اپنے اولاد کو ارے بنا جانا نہیں یار دن کے کام کے واسطے بڈھا ہونے کے بعد جانا ابھی جو ہے کماؤ کھاؤ دنیا کے کما کرو اللہ کا دن بعد میں دیکھ کے بہت بڑا بھری جو ہے نا عمر ابھی پڑی ہوئی ہے جا دے خبر میں جانے تک اللہ پاک فرما دے ہاتھ تو تک کا ہر کا دو تمام موقع دے یہ لوگ جو ہے خبر میں جانے تک اپنی حوث اور ہرس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور اسی جو ہے پاک عمر کا اشیاء والی ہے کہ بھٹے رہے کے وقت میں کوئی پیغمبر نہیں بنے بلکہ جو ہے ایمان جوانی کے عالم میں دین کے واسطے اللہ کے لیے قربانی کی یہی تو مبارک مہینہ ہے جو قربانی کا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذرا بھٹے ہو گئے نوجوان جو ہے نامہار جانا بچے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار اور وہ قربان ہونے کے لیے تیار اس میں بہت بڑا جو ہے درس ہے کہ آج ہم جو ہے ہمارے اور وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ بچایا ہے اس میں بھی اس میں یہ جو ہے بہت بڑی نصیحت ہے کہا جانا کوئی بڑا کمال نہیں ہے اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو وقف کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے اس لیے اسلام علیہ السلام یہ نعرے نمرود میں ہندوستان کے اندر جو ہے نعرے نمرود میں جو ہے گودا لگا کر اس جو نعرے نمرود کو گلزار بنانے کے جو ہے برابر ہے کہ ہمارے جو بغل کے میدان میں کام کر رہے ہیں یہ جو ہے گویا کہ ایک بار آدمی کھڑ گیا تو اس کو جنا دو تین مہینے کے بعد ایک چار سال کے بعد بھول جاتا ہے لیکن یہاں پر روز جانا بہت بڑی ہوتی ہے ہر نماز میں جانے کی کر بس جانے کنجرے تسلیم را ہر نماز میں جانے کی کر اللہ کی محبت میں جب کنجر اپنے گلے پہ لے لیے تو ہر وقت جو نہ اللہ ایک نئی جان ڈال دیتا ہے ایک نیا جملہ ایک موجودہ دکھاتا ہے کہ ہر روز مرنا اس لیے اور شاعر فرماتے ہیں کہہ دو ابو محمد سے کہ مرنا نہیں کمال مر مر کے ہجر یار میں جینا کمال ہے مرنا کمال نہیں ہے بلکہ جو ہے ہر وقت جو ہے موت کے منہ میں جانا کافروں سے جو ہے مقابلہ کرنا اسلام کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھنا اور ہر جو ہے دشمن کا جو ہے سینہ سپر ہو کے مقابلہ کرنا یہ موت سے کم نہیں ہے یہ ہر وقت ہر گھڑی موت ہے اس لیے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے رکھا یہ جو ہے اسلام کے لیے دین کے لیے جو ہے بڑے بڑے کام کرنے والے میدان میں اسلام کو غالب کرنے والے بڑے تو آج جو ہے یہ قربانی کی ضرورت ہے تو اس طرح جو ہے ہمارے جیسے ہم جو ہے دلہن کو سجا کر مہندی لگا کر گھونگا پڑا کر یہ سارے جو ہے رشتے دار اور سارے جو ہے برادری مل کر ہم ایک اجنبی گھر کو جو ہے بجا رہے ہیں اس کا گھر آباد کرنے کے لیے اسی طرح ہماری جو ہے اولاد کو جوانی کے عالم میں اسلام کے لیے محمد علیہ السلام بنا کر میدان میں کھڑا کر یہی جو ہے نا جذبہ روحانی ہے اور یہ جو ہے اسے علماء پر فرماتے ہیں جب جو ہے جوان میں جب عقاب روح پیدا ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان عقاب روح جو ہے اللہ کے جوانوں کو چاہتا ہے جوانوں جو ہے اسلام کے پھیلانے کے واسطے میدان میں جو ہے جوان جوان اس لیے ایسا بلا فرما میں اپنی جوانی اسلام کے لیے لگایا تو جوان جوان دلہنوں کو جو ہے چھوڑ کر میرے ارد و گرد میرے دربار میں زندگیاں وقت کر کے جانسار رہنے میرے ساتھی ملے دلہنوں کو چھوڑ کر اسلام کے لیے کیونکہ جو ہے روحانیت کی لذت روحانیت کا سرور رستہ قرآن فرمائے کہ بیت رضوان ایک ایسی نعمت ہے جو جو ہے جوان جوان دلہنوں کو حکومتوں کو دولت کو اور جنرل رات کی گتیوں کو جنرل قربان کر کر اللہ کے لیے شہید ہونے کے لیے اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ پیدا کرتی ہے بیت رضوان کا پیر ہے جس طرح جو ہے ایک گلے کی جنرل آنکھوں میں ایسا جنرل تاثر ہوتا کہ عورت جو ہے نا وہ ایک جنرل شوہر کے پاس آ جاتی ہے ایسا ہی ایک روحانی وجود کے اندر اس کا جو نا روحانی فائز روحانی کشش ایسی جو اس کے اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اس کی صحبت سے اٹھنا نہیں چاہتا یہی جو ہے روحانی دربار کے عطا والے کے دربار کی پہچان ہے اور یہ خانقاہ کا سب سے بڑا وسیلہ یہی ہے یہاں پر لوگ گزرے خانقاہ میں گزر جاؤ جن کے گیٹ کے اندر گئے تو واپس نہیں آتے
अल्लाह रब्बुल आलमीन को पाने का जो जाना इंसान की जो असली जोड़ा है उसको जो पहचानने तक आते रहे हो तो वही पहचान इस नाम का भी यहाँ पर ये जो है शादी के खुतबा जो है ये दिखाई जाती है कि तुम जो इशारा कुर्बानी कर रहे हो अल्लाह के लिए करो। ये तो जो है जाहिर इशारा कुर्बानी है, इससे जो है दिल में मोहब्बत पैदा होती है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए हकीकत जो है अगर अल्लाह की रजा पाना चाहते हो तो तुम जो है मैदान में आज हिंदुस्तान के अंदर हुजूर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक हो रही है, आपके जनाब कुरान पर जो है लोग उंगलियां उठा रहे हैं, आपकी तौहीन कर रहे हैं और मुसलमानों को जो है मिटाने की साजिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त जो है नौजवानों की जरूरत है मैदान में है काम करने के लिए। यहाँ पर जो है बड़े बड़े ताकतवरों की और जवानों की जो जरूरत है और हमारी अजीज तरीक जो है सलाहियतों को इस्तेमाल के लिए जरूरत करने की जरूरत है। ये कुर्बानी करने के लिए जब आएंगे तो हम जो है कहलाएंगे हस्ता फुला करना दूल्हे वाले का मुकदर क्या है, हमें सदाबहार बुला है, सदाबहार बुला है, बुला भी अगर जाना है और वहां से अगर कोई मुकदर गुजर है तो दूल्हे को कम देखते हैं मुकदर को ज्यादा देखते हैं। ये दीन का झंडा ये ऐसा हुलिया झंडा बना दिए जरा साहब को जा रहा हूँ, ये सदाबहार बुला है, हमेशा जो है जवान रहते हैं और जो है ना इनका जज्बा जो क्योंकि इस्लाम का जज्बा है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जिसके अंदर जज्बा जिहाद है वो कभी बुरा नहीं होता। अल्लाह का घर आबाद करने वाली
दुनियादार मतों से बढ़ते इसलिए जो है यहाँ के वतन चार खुदा प्रबंध है वतन मतों की महफिल में नहीं एक तालिब मौला किसी को होते दुनिया है किसी को खौफे होता है यानी अल्लाह से मोहब्बत करने का किसी के अंदर जज्बा आए नहीं वतन मतों की महफिल में अल्लाह का तालिब तो मर रहे हैं इसलिए राजा तस्वीर से जो है ना असल तस्वीर पूछा है राजा तुम जो शादी क्यों नहीं करते तो हुजूर की सुन्नत है तो राजा तस्वीर फरमाती है कि मर्द कौन है जिससे मैं शादी करूँ अरे हम इतने जो है लोग दिख रहे हैं मर नहीं है क्या मर्द जो है जो अल्लाह का तरफदार है उसको मैं मर्द मानता हूँ जो दुनिया के तरफदार है वो मर्द से जो है क्या तरफ है अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला अल्लाह के दीदार का तालिब वो क्या तरफ का जो है वो मर्द है तो बहरहाल यहाँ पर जो है इस खानका में अगर औरतें भी हैं मुगल एक मतवक का साथ देने के लिए खबर बसता है तो वो जना मर्दों से बढ़कर दुनियादार के मर्दों से बढ़कर है क्योंकि जो है कब बिताने जाने कब जना आपके मर्द तो बहरहाल जो है यहाँ पर शादी की जो है एक तकरीर से अल्लाह की मारिफत का दर्स यहाँ पर सुनाया जाता है तो बहरहाल यही मुगलती जैसा जमाना खजा हमेशा बयान करवा देते हैं कि जो है असर गर्म की जो खुद निकाह की हम जो खुशी होती थी वो निकाह की वजह से खुशी महसूस नहीं आ रही थी छोटी उम्र थी बहरे फरमाते कि हमारे छोटे छोटे होते थे लेकिन हमारे क्योंकि हम जैसे मैंने फारूक खान साहब का वाक्य सुना कि मैं छोटी छोटे मेरा 14 साल की उम्र था लेकिन जब उठते कि ये बात है तो खुदाई तालुक आपके बीवी और शौहर अपने शोहर पर जूतों की आवाज से पहचान दे और तुम अपने मालिक को बरसों से जाने नमाज पढ़ रहे और जाने अपने अल्लाह को नहीं पहचाने तो तुम बन के है और बन के रोज चर्चा करे इसलिए अल्लाह बात बताते जब मैं सर का सजदा हुआ करी तो जमीन से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सदा माश ना चिट्ठा मिलेगा नमाज में अगर आपके अंदर जो है वो तजस्सुस नहीं वो तड़प और वो जज्बा अगर आपके अंदर नहीं है आप जो है बरसों नमाज पढ़ते रहे तो अल्लाह क्या पहचान इसलिए जो है पढ़ाते हुए सदे कामिल तो बिस्मिल्लाह ही काफी है ये दो लफ्जों के समझने में याद आ ही जाती है इंसान के अंदर जो है अगर जज्बा पैदा हुआ वो दो लफ्ज भी अगर वो कुरान पे पढ़ेगा तो वो जो है हिदायत के लिए काफी हो जाता है तो बहरहाल जो है यहाँ पर ये खुतबा दराकी का जो है अल्लाह की मारिफत को पहचानने के लिए और जो है हमारे जुड़े यानी इंसान जुड़े किस लिए जुड़ाए जाते हैं इसमें जुड़ाने के लिए राज क्या है हर फॉर्म में जो है जुड़े जुड़ाए जाते हैं जो भी अंदर पंडित पूजे जब तक है तदैव लगन तदैव तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम तदैव गौरी प्रति कहेंगे ये अपन समझते आ ये जो है मंत्र पढ़े बगैर उनका निकाह हलाल नहीं होगा है हो जाना ऐसा ही यहाँ पर काजी साहब आकर जो है अल्लाह के रसूल का फरमान तिलावत करके जब तक के गवाहों को यहाँ पर गवाह में रखकर ये निकाह नहीं बात को निकाह जायज नहीं करा पाता तो इसी तरह जो है दो आलम के काजी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो सारे इंसानों को अल्लाह से मिलाने के लिए काजी आलम बन के आए आप पर जब तक के वास्ता नहीं लेते और आप पर जब तक के कलमा नहीं पढ़ते वो राजे दर्जा है वो अल्लाह तक समझ नहीं सकता और ये चीजों को बताने के लिए कि इंसान जो है मकयासी मोहब्बतों को सामने रखना पड़ता है क्योंकि ये मिसाल से जो है इंसान हकीकत को पाता है समझता है शेर की बहादुरी से इंसान के अंदर की शेर की जो ताकत समझ में आती है तो इसी तरह ये जो जोड़े हैं ये हमारे लिए एक नमूना लेकिन हकीकत जो है कुर्बानी की रूहानी कुर्बानी इंसान को समझ में नहीं आती इसलिए जाहिर कुर्बानी से ये रूहानी कुर्बानी समझाते हैं बहरहाल अल्लाह पाक हमें और आपको जो है अल्लाह के लिए इस साल कुर्बानी करने का जज्बा अता फरमाए तो बहरहाल आज जो है बहुत मुतबर्रिक दिन है कि एक तो जो है मैं अपने आप को जो है बहुत मुबारक और मुतबर्रिक समझ रहा हूँ कि हजरत साहब को उनकी पोती का जो है अपना निकाह का सुनते निकाह का देने का मौका मिला ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है और दूसरी चीज़ ये कि आज का जो दिन है वो जो है जनाब अम्मा जान की बात जो है निकाह का दिन हजरत साहब को जो पहली शादी थी वो जो है जुमा का दिन और जुमा के दिन जो है फरमाई की जनाब अम्मा के अंदर सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं था मोहब्बत का अजब टुकड़ा था पता नहीं अपने कामिल की मोहब्बत का अजब टुकड़ा था और जब भी जो है हजरत को जो है ये बात समझ गए कि बड़े अम्मा जैनब अम्मा का जो है जिक्र आता तो हजरत को ठंडी सांस सुनने की जगह खामोश रख लिया मतलब जो है इतना दिल पर असर होता था हमारे अंदर कि कभी जो है आपका अच्छी का जब भी चेहरा जो है हजरत साहब के कारण बड़े अम्मा का अजर जो जैनब अम्मा है जिनका तारीखों के हजरत साहब ने लिखा हुआ तो वो उनकी निकाह का जो है मोहब्बत भरा दिन है और मिलाप का दिन है और दूसरी चीज़ ये कि भाईजान जिनकी जो है आपकी जो है लड़की की दोस्त की शादी आपका जो निकाह भी इसी जुमा मुबारक दिन मुबारक जुमे के दिन हुआ और हजरत साहब को निकाह जो है जुमा के दिन हुआ निकाह दर हकीकत में क्या है वसीले खुदाई है
लोग ये सुन जो है ना समझने से चाहते हैं कि अल्लाह वाले गुजर गए चलेगा क्यों, ये वचन जो है अल्लाह पाक फरमाए के असल खुदा की दलील अपने खुदा से कलाम जिसमें ना हो वसल यार बहुत है जिंदगी वसल यार अगर नियत वो मौत है यहाँ पर जो है मिसाल क्या है अल्लाह से मिलाने के लिए अल्लाह से मिलने का दिन है तो अल्लाह खुदा की जो मिलने का दिन वो जुमा है और हजरत का जो इंतकाल हुआ आज ही की तारीख थी 16 सितंबर था और जो है जुमा का दिन था और यही जो है ना गणेश होगा क्योंकि ऐसा वाला करना ये विदेश कर ये जो है हिंदुस्तान के लोग पूजा कर रहे हैं इसकी बहुत बड़ी हकीकत है मिट्टी की पूजा बना की मिट्टी पूजा कर रहे हैं हकीकत को जो है रूहानी वजूदों को नई पहचान की जो है मिट्टी पत्थर में चढ़े गए जैसा इसराइल ने जरूर बहुत बना के काबतुल्लाह के अंदर और बहुत से लड़कियों के जरूर बना के दिए लेकिन इसकी जो है हमारी पर जब समझ में आएगी तो यहाँ की कौम जो है दीवाना बार होकर जो है इस मामला में ये दरबार में आएगी तो बराज ये जमा कर दी 16 सितंबर और हजार की जो है इसी जो है मिसाल का दिन की इस वजह से जो है बहुत तुम्हारा दिन है आपका और अल्लाह ताला जो है ये बारिश भी हमारे लिए रहमत है अल्लाह ताला फरमा कि हमारा नशान जो है रहमत का नशान ये बारिश जो है करदा में पहला तो जिसने मैं ना बसवन करदा कार्यक्रम में लिखा हुआ है जहाँ भी चंद्र सूर्य जाए आसमान से बारिश आएगी और इसी करदा कार्यक्रम में जो कि हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Gracias.